ऐसे मैं तो मतलब व्लॉग नहीं शूट कर रहा था, सडनली एक दुकान में आया था काम करने के लिए। मतलब दुकान में आया था कुछ कपड़े लेने के लिए, मेरे लिए नहीं, ग्रीन एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन शूट कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन में, तो ग्रीन कपड़ा लेने आया था। तो ऐसे मुझे भी मतलब मिल गए, एक दो लोग पहचानते भाई, ज़्यादा नहीं। तो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद में खत्री। और ये अपने सब्सक्राइबर है, सो एक बार हैंडशेक। सो ऐसे आप भी मुझसे मिल गए तो बिंदास सामने से आ जाना, और मेरे चैनल पे आप भी आ जाओगे। सो देखते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह, और इस वीडियो में आप देखने वाले हो, अगर आपकी पल्सर या कौन सी भी बाइक आप रेस दे रहे हैं और देन गियर लगा रहे हो और गाड़ी भाग नहीं रही है, आराम से चल रही है, मतलब इंजन में जो इंजन का क्लच पैड है वो ख़राब हो गया रहेगा, इसलिए गाड़ी भाग नहीं रही है, पिकअप नहीं दे रही है। सो आज हम देखने वाले पल्सर 220 का क्लच पैड चेंज कैसे होता है और कैसे नया क्लच पैड इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इंजन का ऑयल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप बाइक को डबल सेट पे खड़ा कर दे, फिर इंजन पूरा ऑयल निकाल दे, देन उसके बाद राइट साइड का फलचा खोलना है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो जैसा देख रहे हैं 220, तो सबसे पहले इसका इंजन ऑयल बाहर निकाला, देन उसके बाद 220 में क्या है, ऑयल कूलिंग है। वो ऑयल कूलिंग का भी सबसे पहले आपको ऑयल कूलिंग निकालना पड़ेगा। तो ऑयल कूलिंग के लिए आपको दो यहाँ से एलेंकी, बस वहाँ से दो एलेंकी नट ढीले करने हैं, वो वहाँ से भी ऑयल गिरेगा। तो लेकिन सबसे पहले जब ऑयल निकल जाए तो आप एलेंकी नट खोले, क्योंकि वरना ऑयल बाहर गिरेगा। तो इसको निकाल के बाहर कर देंगे। देख यहाँ पे फलची पे जॉइंट रहता है, ये भी खोलना है साथ में, तो ये पूरा सेट बाहर आ जाएगा। देन इसके बाद फलचा खोलेंगे। फलचा खोलने के लिए अपने को क्लच पेट जो क्लच वायर है, क्लच वायर का यहाँ से क्लच वायर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फलचा क्लच वायर निकालना पड़ेगा, और ये भी दो निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद ये फलचा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद देखते हैं इसके पीछे क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्लच वायर भी निकाल दिया है, और ये इसका भी पूरा खोल दिया। अब इसके बाद पूरा फलचा खुलेगा, तो फलचा खोलने के बाद देखते हैं। इसका करेक्ट प्लेट पानी तो जैसा आप देख रहे हैं कि राइट साइड का फलचा खुल गया है, क्लच पेट बाहर आ गया है। और आपको क्या करना है, सिर्फ क्लच पेट, इसमें क्या होता है, अगर क्लच पेट चेंज करते टाइम आपने अगर ये फलचा क्लच पेट का कटोरा है जो निकाल दिया, तो हाँ क्लच पेट का हाउसिंग है, अगर ये बाहर आ गया तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा सीजर गियर का, फिर आपको टाइमिंग मिलाना पड़ेगा। तो इससे आप बाहर ना निकालें, सिर्फ क्लच पेट को पूरी तरह निकालें। क्लच पेट आराम से बाहर आता है आपने जैसा देखा रहेगा वीडियो में, और उसके बाद जो जो सारे मतलब जो भी बाहर निकले सबको पेट्रोल वॉश किया जाता है,
पेट्रोल वॉश पूरा क्लीन करके अच्छे से, उसके बाद नया क्लच पेट देन प्रेशर प्लेट। जो भी ख़राब रहता है, क्लच पेट भी ख़राब हो सकता है आपका, प्रेशर प्लेट भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये हाउसिंग भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो जैसा जो ख़राब हो वैसा चेंज किया जाता है। तो अभी इसमें क्लच पेट का प्रॉब्लम है तो क्लच पेट चेंज होएगा। राइट साइड का फलचा खुल गया है क्लच पेट चेंज करने के लिए, लेकिन क्लच पेट चेंज करते वक्त जिसका हाउसिंग था, हाउसिंग को बाहर नहीं निकाला। अगर बाहर निकाल देंगे तो आपका सीजर गियर का टाइमिंग फ्री मिलाना पड़ेगा। सीजर गियर क्या करता है, सीजर गियर गाड़ी का वाइब्रेशन कम करता है। तो आप ध्यान दें, क्लच पेट चेंज करते वक्त आप क्लच पेट का पूरा सामान निकालें। और ये नया क्लच पेट और ये है पुराना क्लच पेट, तो कुछ बता दूँ पुराने क्लच 220 में क्या क्या रहता है। एक देखिए, एक ये सबसे पहला, एक क्लच पेट, दो क्लच पेट, तीन क्लच पेट, चार क्लच पेट, पाँच और ये छः, छः रहते हैं टोटल। और प्रेशर प्लेट भी रहता है। खराब रहे कैसे चेक करें, तो ये जो इसमें आपको ग्रिप दिख रहा है, आप इस पर हाथ लगाएंगे ऐसे, तो ये कड़क हो गया पूरा, कुछ इसमें है नहीं, पूरा एकदम कड़क हो गया, जल गया है, मतलब जिसको जलना भी बोल सकते हैं, कड़क हो गया है। तो ये कारण रहता है क्लच पेट खराब होने का। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, मतलब मैं अगर नाखून मारूंगा तो दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको, मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे ये देखिए फर्क। तो ये है अभी एकदम नया, इससे पिकअप आएगा और गाड़ी फिर से दौड़ने लगेगी रफ्तार की तरह। तो इसमें भी कुछ छः हैं। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे पेट्रोल से वॉश करके रख दिया है, क्लीन करके, उसके अंदर क्लीन किया, बाहर नहीं, वो अंदर है। अब बारी है मेन इंजन के पास, उसको भी पूरा पेट्रोल से क्लीन करेंगे। डब्बे में भर, मैं थोड़ा काम में था, तो गाड़ी का क्लच पेट थोड़ा सा वो डाल के मारता हूँ। एयर फ्री हो ना तू? हाँ, मेरे को तो अभी इतना प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, खाली थोड़ा सा दब रही है उतना ही बस। मिला क्या करें स्कोर पे क्या? यहाँ पे मतलब काम खत्म हो गया, बस पैकिंग लगाना है और राइट साइड का फलचा लगाना है, उसमें उसका ऑयल किलिंग का आएगा, क्लच वायर आएगा, तो वो जो फलचा दिख रहा है तो चलो यहाँ पे लगा देते। सो 1 2 3 गो। आपको थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा क्योंकि वॉश होके आया है। और देखिए, तो एंड आपने देखा था कि यहाँ पे सब खुला हुआ था, ये फलचा बाहर था, तो ये फलचा लगाया, देन क्लच वायर लगाया, ऑयल कूलिंग के पाइप लगाए, यहाँ पे नट, यहाँ पे नट, और ये यहाँ पे दो नट होता है वहाँ पे लगाया,
और यहाँ पे क्लच पेट चेंज हो गया। तो आपने देख लिया कि चेंज पॉकेट किस तरह चेंज किया जाता है, और चेंज पॉकेट भी चेंज करने के बाद गाड़ी स्मूथ, पीछे से आवाज़ बंद और चैन का प्रॉब्लम बंद। तो चैन से आवाज़ आता है गाड़ी से, उसमें पीछे जो बैठते हैं उसको बहुत आवाज़ सुनाई देता है, हमें भी पीछे से आवाज़ बहुत आता है और गाड़ी स्मूथ चलने लगती है चैन पॉकेट चेंज करने के बाद। और गाड़ी का पिकअप भी इंक्रीज़ होता है, गियर भी अच्छे से घूमते हैं, मतलब जो चैन पॉकेट के रहते हैं आगे पीछे वो चैन भी अच्छे से घूमते हैं। तो इस तरह चैन पॉकेट चेंज किया जाता है। और बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस और क्या क्या देखना है और ये वीडियो कैसा लगा।